जीतन राम मांझी अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं और उनके बयान भी सरकार को अक्सर हिलाने डुलाने लगते हैं। एक बार फिर से जीतन राम मांझी का एक बयान आपने सुना होगा, जब वो सदन में बोल रहे थे और उन्होंने इच्छा जताई थी कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा था कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि अगला चुनाव मैं नहीं लड़ पाऊँगा क्योंकि मेरी उम्र हो रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक संदेश दिया था, वो संदेश भारत लाइव ने आपको स्पष्ट बताया था। यदि आपने नहीं सुना है तो आप पीछे विश्लेषण में जा करके देख सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंचते नीतीश कुमार के फिर बिहार में एक बयान दे दिए हैं, जिस बयान का अब क्या मायने है इसको आप समझ सकते हैं। उन्होंने एक बार फिर से जो चर्चाएँ ज़बरदस्त चल रही हैं कि मानसून सत्र में भी ये आवाज़ उठी थी और उसके बाद आपको पता है कि किस तरह से सारे विपक्ष के नेता मिल करके, सारे दलों के नेता मिल करके नीतीश कुमार से मुलाकात किए थे और उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। एक बार फिर से उस मुद्दे पर बातचीत के लिए नीतीश कुमार से उनके चैम्बर में गए थे, तेजस्वी यादव इसकी अगुवाई कर रहे थे और बातचीत हुई। इसके अलावे अब इस पूरे मुद्दे पर सदन में जिस तरह की चर्चा हुई, उन सारी बातों को लेकर के पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा है कि सत्र शुरू होने से पहले जिस तरह की चर्चा की जा रही थी वैसा कुछ भी हुआ नहीं, सदन की कार्रवाई ठीक ढंग से चला, सदन के अंदर बहुत काम हुआ, उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरह का सदन चलेगा। हमने आपको खबरों में बताया था कि इस बार सदन बहुत ही सुचारू ढंग से चली और हंगामा बहुत कम हुआ। इन सारी बातों को लेकर हमने बताया था कि इसमें सरकार नहीं बल्कि विपक्ष और खास करके अध्यक्ष विजय सिन्हा का बहुत बेहतर किरदार और रोल रहा। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितनी जनसंख्या रहेगी उसी अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब हमारी जनसंख्या पर हिस्सा मिलता है तो जातीय जनगणना करना ही चाहिए। जातिगत आधार पर जनगणना नहीं करने का मतलब है कि जिसकी संख्या कम है वो हिस्सेदारी ज़्यादा ले रहे हैं और जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसकी हिस्सेदारी कम हो रही है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इस तरह की बातें करते रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और इस बीच में आप देखिएगा कि बहुत सारी बातें खुल करके सामने आएंगी। जीतन राम मांझी कहा जा रहा है कि वो रिटायरमेंट के बाद बोनस लेना चाहते हैं। चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जीतन राम मांझी का सीधा कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब है कि वो भारतीय जनता पार्टी को संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप साथ में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनाम भी देना होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी अक्सर जिस शर्तों पर और अपने समझौते के हिसाब से गठबंधन बदलते और गठबंधन में रहते हैं, ये शुरू से चला आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के इस बयान को सीरियसली लेते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।